देगा अम्मा को। इसकी इरिटेट हो रहा है थोड़ा सा, इसकी आंखें एक्चुअली पता नहीं दोनों पूरी रेड सी हो रही है हल्की हल्की, और बहुत परेशान सा हो रहा है। तो अभी आज ज़्यादा है, मैंने दो दिन से हल्की नोटिस करी थी, थोड़ा पानी वानी से धुला रही थी मैं, बट अभी आज ज़्यादा है। तो अभी मैंने डॉक्टर को पता किया तो 6 बजे निकलेगी, एंड इट्स ऑलरेडी 5:20, तो मैं देखती हूँ निकलती हूँ क्योंकि आज दिखाना ज़रूरी है। अभी थोड़ा इरिटेट हो रहा है, अभी तो मैं नहीं रुक सकती, तो दिखा के लाती हूँ, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर, और जो भी बोलता है मैं बताती हूँ। कि मुझे लगता है कि इसको मैंने बाहर निकाला नहीं है, लू में कहीं भी गया नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं, पता करते हैं। चिकन इसको एंटरटेन करने से कहीं भी नहीं रुकते। गाड़ी कैसे चलाते हैं बेटू? एक बार ही सिखाया था, ऐसे करने के लिए थोड़े बोला था पूरे टाइम। 2 घंटे से तो कर रहा है, तेरे होंठ नहीं दुख रहे? ऐसे नहीं कर। किशु मम्मा का सर दुखने लग गया बेटा। अब नहीं, I'm sorry, अब ऐसे नहीं करते। काऊ आ जाती है, काऊ देखना था किशु क्या कर रहा है। बोल दो काऊ को। नहीं बेटा मत करो प्लीज, अब मामा का सर दुख रहा है, पिछले 2 घंटे से ये ऐसे। थैंक यू, मुंह पूरा भरा हुआ है। जाओ आप, जा क्या आप जा क्या, मम्मा यही वेट करी, जाओ मम्मा वेट करी है। ऐसे नहीं करो बेटा, अब मम्मा का सर दुख रहा है। 2 घंटे से आपका मुंह दुख रहा होगा बेटू, आपके बिना बुटॉक्स के आपके होंठ स्वेल हो जाएंगे। अच्छा सॉरी बोलो, सबको सॉरी बोलो, सॉरी दोनों हाथ से। वेरी गुड, मम्मा तो यही है, बाय कर दो सबको। किसी करनी है, किसी कर दो। ओ पापा थैंक यू, चलो अभी बाय कर दो। बाय 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 बाय। हाँ अभी इसकी आईज में देखो थोड़ा सा रेडनेस है, तीन दिन हो गए हैं और पानी भी निकल रहा है। किशु से हाय हाय, ओके से बाय 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 बाय। क्रिश ए क्रिश, ओके बिजी है अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। मतलब हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं जो वीडियो है वो बैठ के बना रही हूँ, मतलब पूरा प्रोसेस आपको बता, प्रोसेस मतलब जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रही हूँ। किशु के साथ अभी उसके आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाली हूँ अभी। क्योंकि ना मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बाद में क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी बच्चों को लेकर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे खाना खिलाती हैं, क्या खिलाती हैं। मैं उसके लिए वीडियो बनाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, अब तो मैं फिर भी सोच रही हूँ कि हो गई हूँ। अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि यार मुश्किल से उसने 3 महीने से खाना शुरू किया है, ठीक है। अब थोड़ा 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 करके खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो कोशिश जो करती हूँ ना वो मैं आपको बता दूंगी कि मैं कैसे कोशिश करती हूँ। कभी खाता है, कभी नहीं खाता है। अब हर माँ के साथ वही सेम क्वेश्चन रहता है। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आई एम सो सॉरी मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं तो मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। अभी
कल मुझे कोई मिले थे, निधि मिले थे मेरे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, आपको कमेंट भी करती हूँ पर आप रिप्लाई नहीं करते, तो आई एम सो सॉरी मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो पहले मैं करती थी बट अब जब से कृष्णा हुआ है मैं बहुत बिजी हो गई, मुझे कमेंट्स पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है, मुझे सिर्फ इतना टाइम मिलता है कि मैं कभी फ़ोन उठा उठा के वीडियोज़ बनाऊँ और एक वीडियो एटलीस्ट आप लोगों के साथ थोड़ी जुड़ी हुई रहूँ। इतनी बड़ी मेरी फैमिली बनी है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये मैं कोशिश करती हूँ। और हाँ, अभी बात करते कृष्णा को हुआ क्या, तो 5 दिन पहले कृष्णा की आंखें थोड़ी सी रेड थी, मतलब ये जो अपने आईलैशेस वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन उसकी रेड लग रही थी, तो मैंने नोटिस किया। बीइंग अ मॉम, मेरी आंखें जो है चलता फिरता एक्सरे लेती रहती है, कहाँ पे तिल है, कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ। माँ जो है ना वो बच्चे की हर एक चीज़ को देख लेती है, यार इसको ये चीज़ नहीं है, तो मैंने ना हल्का सा नोटिस किया। तो मैंने चेतन को बोला भी था, मैंने कहा कि यार इसकी एक आंख मुझे हल्की सी रेडनेस लग रही है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे ही लग रही होगी तुझे, ठीक है हमने कर दिया नॉर्मल, कल देखते हैं, मतलब अगर हुई तो कल ज़्यादा ही होगी। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह ठीक था, मतलब हल्का मुझे लग रहा था कि हल्की रेड है, फिर वो नहा के जब आया ना तो उसकी आंखें और रेड हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद नहाने के टाइम शार जल वगैरह जाता है बच्चे की आंखें में, तो उस लिए हो गया होगा। अपन भी नहा के आते हैं तो थोड़ा सा पानी वानी चला जाता है तो रेड हो जाती है, तो मैंने वो थोड़ा सा देखा कि अब 2 घंटे बाद देखते कैसा रहेगा। तो उसके बाद में बैक ऑफ द माइंड मेरे वही चल रहा था कि इसकी आँख में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है शायद। फिर उसके बाद में वो सो गया, अभी दोपहर में सोता है वो, तो वो सो के जब उठा तब उसकी आंखें रेड थी, पिंकिश रेड थी, मतलब पूरी ऐसे से पिंक सी हो रखी थी दोनों आंखें, और वो इचिंग भी कर रहा था। तो मैंने चेतन को हाथों हाथ फ़ोन किया, मैंने बोला कुछ तो प्रॉब्लम है इसको, तो उन्होंने डॉक्टर का पता किया, तो पता चला कि डॉक्टर तो विद इन 20 मिनट्स चला जाएगा, तो हम 20 मिनट तो मुझे पहुँचने में ही लग जाते। तो मैंने फिर डॉक्टर ने बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे निकलना अर्जेंट है तो आप कल दिखा लीजिए। तो अब मैं इतनी, मतलब वो कोई भी माँ होगी और मैं आपसे कहते भी हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना आपके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको थोड़ा सा डाउट भी हो और शायद वो गलत भी हो सकता है, तो भी अगर आने वाले मतलब रात हो रही हो ना तो ज़रूर 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 डॉक्टर को दिखा के आए। मैं दिखा के आती हूँ, अब मुझे पता था कि आने वाले टाइम में रात है भैया, रात को कुछ भी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, तो इससे अच्छा है अपन पहले ही डॉक्टर से डिस्कस कर ले, अपने को आइडिया रहे कि बच्चे को प्रॉब्लम है कि नहीं है, कितनी है, क्या है। तो मैंने फिर बोला कि ठीक है कोई और क्लिनिक पर चलेंगे, तो हम कोई आई क्लिनिक है यहाँ पर, वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू बहुत चल रही है, और शायद उस वजह से इसकी आंखों में थोड़ा सा वो गर्मी की वजह से भी है, और अगर ये 2-3 दिन रहा तो शायद इन्फेक्शन भी हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन होता है, तो वैसे कुछ हो सकता है, हो सकता है इसने कहीं गंदे हाथ लगा के इसने लगा ली हो अपने आँखों में, यू नो बैक्टीरिया कैसे भी इंसल्ट हो सकता है, तो वो उन्होंने बताया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने ड्रॉप दी, दिन में 4 बार डालने की ड्रॉप थी, तो हम आए, उस दिन मैंने रात में डाली, तो अगले दिन सुबह थी, अच्छी रेड थी, रेड मतलब कि एक डार्क पिंक जैसी आंखें थी, और पानी गिर रहा था आंखों से, पानी भरा हुआ था और बच्चा परेशान हो रहा था, मतलब अच्छा खासा ऐसा लग रहा था कि अब भाई इरिटेट हो रहा है, वो मुझे छोड़ भी नहीं रहा था पूरे दिन से, ठीक है। तो वो पूरा दिन निकला, मैंने पूरे दिन उसके 4 टाइम ड्रॉप्स डाली, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको ड्रॉप्स डाली, तो नेक्स्ट डे मुझे लगा कि नहीं ऐसा, मतलब पहले दिन रात में ड्रॉप डाली, फिर दूसरे दिन पूरे दिन 4 टाइम डाली, फिर जो तीसरा दिन आया मैंने सुबह डाल दी, दोपहर में डाल दी, शाम को भी वो ऐसा उतना ही मतलब था, तो मुझे लगा कि नहीं ये तो सही नहीं जा रहा। तो मैंने चारू दीदी को फ़ोन किया, चारू दी अभी ज्याना के आँख में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो चारों दिन ड्रॉप्स डाली थी, तो हम जैसे वीडियो कॉल पे रेगुलर बात करते हैं, तो ज्याना को देखा था तो उसकी आँखें थी रेड, उसकी भी थी, उसको जब ड्रॉप डाली थी वो एक बार में सही हो गई थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे वो ड्रॉप के फोटो भेजो। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें फिर ही बच्चे को कोई दवाई दें, किसी पैसे नहीं कि उसके बच्चे को हुआ था तो आपके बच्चे को भी सही हो जाएगा, नहीं पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि हाँ दे सकते हो, वो एंटीबायोटिक्स वाली ड्रॉप्स थी, तो मैंने कृष्णा को दी, और उस दिन रात में तो मैं नहीं मंगवा पाई थी, अगले दिन मैंने मंगवाई, और अगले दिन मैंने उसको डाली आँख में, एक ड्रॉप डाली थी, एक एक ड्रॉप मतलब दोनों आँख में डाल के एक टाइम डाली थी, और नेक्स्ट दूसरे टाइम ही फ़र्क आ गया था, मतलब उसकी आँखें रेड कम हो गई थी, मतलब वो देखते मुझे लग रहा था कि यार 3 दिन बच्चा मेरी वजह से परेशान हो गया, मुझे इतना बुरा लगा कि यार शायद मैं अगर ये चीज़ पहले करती तो पहले सही हो जाता, बट क्या करूँ यार, मैं भी सोच रही थी कि उनकी दवाई से सही हो जाएगा पर नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन से मुझे पता चल गया कि नहीं होगा, तो मैंने दूसरी दवाई चेंज कर ली। अगर आपको लगता है कि बच्चा 2 दिन से ज़्यादा ले रहा है किसी चीज़ को सही होने में, इसका मतलब वो दवाई उसको नहीं लग रही है,
तो मैंने फिर दूसरी ड्रॉप्स मंगा के उसको डाली थी, और एक उसके एक टाइम डालने से वो सही हो गया था। उसके बाद में मैंने कल पूरे दिन कंटिन्यू रखा था उसको, चार टाइम डाली थी उसको वो ड्रॉप्स। तो आज उसकी आँखें बेस्ट है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा एक रेड मुझे लग रहा है जो मैं आज रात में एक ड्रॉप डालूंगी। पूरे दिन नहीं डाली है मैंने, क्योंकि अननेसेसरीली भी आप बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें, तो अब रात में एक एक ड्रॉप डालूंगी तो वो सही हो जाएगा। होपफुली कल एकदम बेटर, मतलब बढ़िया, अभी भी आज भी ठीक है। और थैंक यू सो मच कृष्णा को इतना सारा प्यार देने के लिए, वो भी आप लोगों से बहुत बातें करता है, उसका कैमरा आते ही लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे, मैं वीडियोस बनाऊंगी, पक्का वीडियोस बनाऊंगी कृष्णा के हर एक चीज़ से रिलेटेड बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि नहीं ये चीज़ वर्क कर रही है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि वीडियो बनाऊँ, ताकि मुझे कोई क्वेश्चन भी करे या कुछ हो तो मैं बता पाऊँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। और बस यही सब चल रहा है अभी तो। कृष्णा ठीक हुआ है, 2-3 दिन से उसके पीछे ही बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि वो जब थोड़ा सा भी बीमार होता है तो वो मेरे चिपक जाता है एकदम, तो बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते हैं। यही सब चल रहा था अभी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।